भागा है, शिवपुरी चल रहा है, नहीं चल रहा है, शिवपुरी चल रहा है, जान तो बचाई नहीं जा रही भाई। ऐसा है मेडिकल स्टाफ हो तो ये कैमरा क्या कर रहा है, तो भाई थोड़ा उनको समझाना मुश्किल हो जाएगा। What's up people, back again on vlog, this is JD Sharma and you are watching JD's vlog। तो अपन आ गए हैं वापस एक नई चीज लेके। मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि इसकी अनबॉक्सिंग करूँ, इसको मैं दिखाऊँ कि भाई कैसा है, क्या चीज़ है, क्या क्या लाया हूँ मैं। तो इसको देख के तो आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है, स्पेशली बॉयज, और मैं किसके लिए लेके आया हूँ। तो ये मंगाया है हमने JBL का एक माइक। तो ठीक है, मैं इसमें दिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मिली है। JBL का 700 या 900 समथिंग का था, मैंने 2 हफ्ते पहले मंगा लिया था। अभी तक टेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने किसी फ्रेंड को अपने GoPro दिया हुआ था, अब GoPro आ गया है तो मैं अब दिखा देता हूँ उसको। हम इसमें कनेक्ट करेंगे और तब जाके अब ये GoPro में लगेगा। तो अच्छी चीज़ है, बहुत कम माइक में मिलती है, JBL ने इसमें दिया है तो अच्छी अच्छी बात है। अब मैं एक दिखाता हूँ मेन चीज़, बहुत कम लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। सो ये है इसका पीछे से जो है सिलिकॉन टाइप है, ताकि आपका हेलमेट की जो माउथ होता है, फ्रंट माउथ होता है, आउटर माउथ होता है, उसको ज़्यादा नुकसान ना लगे, निशान ना बने, स्क्रैचेस ना लगे। तो ये जो है ये सिलिकॉन है, फॉर्चुनेटली हमें मिल गया ये, बिकॉज बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था, ये मिल नहीं रहा था। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। माउथ हो गया है, माइक हो गया है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा मेन चीज। हमने मंगाया है एक स्टड का हेलमेट। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इस कलर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये यवनीश की चॉइस है। तो ठीक है, अच्छा है हेलमेट, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशली इसका जो टेंट वाला वाइजर है वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उसमें दिन में भी दिखता है और नाइट में भी दिखता है। इस हेलमेट में सिर्फ मेरा वाइजर फेवरेट है, और बहुत लोगों को शायद पसंद भी ना आए। तो थंडर का हेलमेट एंड विद टिंट वाइजर। और माता बच्ची के बाद सॉल्यूशन निकल आया है। मैंने ये आपके सामने कनेक्ट कर दिया था, इसको कस दिया, और ये हो गया अपना फोटो ब्लॉग सेटअप तैयार। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, बहुत एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा। तो फॉर्चुनेटली हमारा लग चुका है, एक बार मैं इसको वियर करके दिखाता हूँ। सो कैसा लग रहा है? और यहाँ पे पीछे इसका लग जाएगा माइक, माइक लग के इसका जो अंदर सेटअप है, कॉलर जो उसकी क्लिप है वो अंदर लग जाएगी और मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी, सिंपल इज दैट। तो ठीक है, अपन सेट करते हैं माइक, फिर मैं आपको माइक सेट करके पूरा डायरेक्ट मोटो ब्लॉग करके दिखाऊंगा नेक्स्ट डे, बिकॉज नेक्स्ट डे मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी जाते जाते मोटो ब्लॉग करेंगे लॉकडाउन में। चलो बाय। द नेक्स्ट डे तो बॉस निकल गया हूँ। एक्चुअली इस हेलमेट की आदत नहीं है ना, सो थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस हो रही है। बाइक बहुत गंदी पड़ी है अपनी, कल सोचा था धोऊंगा बट नहीं धो पाया, पेट्रोल नहीं है। वार्म कर लेते हैं पहले बाइक को एंड फिर निकलते हैं। हाँ बाय। रोज़ मुझे बोलते हैं मेरी बहन और पापा कि धीरे से जाइयो, आराम से जाइयो, जब मैं लेट हो जाता हूँ। कुछ भूल तो नहीं रहा? नहीं। सो बॉस मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, बट एक तो यार इसका टेंट वाला जो वाइजर है ना बहुत तगड़ा है यार, मतलब कितने भी धूप हो रही हो बहुत सही लगता है, बहुत सही। वैसे इसे मैंने पहले यूज़ कर चुका हूँ, एक बार सिर्फ पहन के देखा था मैंने हेलमेट, जब GoPro नहीं था, जब मैं नया नया लाया था तो एक बार बस मैंने टेस्ट किया था। मैंने कहा यार एक बार नाइट में चला के देख लेता हूँ विद हेलमेट। जय माता दी। मैंने सोचा एक बार नाइट में चला पहन के देख लेता हूँ, एक बार राउंड मार के आता हूँ कुछ दिखाई देता है या नहीं देता, अगर नहीं दिखाई देता तो ठीक है मैं जाऊँगा उसके साथ चेंज कर लूँगा वापस जाके कि भाई मेरे को नहीं दिखाई दे रहा इसमें तो मेरा दूसरा वाइजर चेंज कर दे। बट ठीक है, बहुत ज़्यादा सही था यार। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, थर्ड डे लॉकडाउन का है, अपने पास पास है तो कोई रोकेगा नहीं, अभी सब
वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, बिकॉज सबकी छुट्टी है, सबका ऑफ है, सबको घर में रहने के लिए बोला है गवर्नमेंट ने। टाइम हो रहा है 7:35, 8 बजे से मेरी शिफ्ट स्टार्ट है, तो 20-25 मिनट में तो पहुंच ही जाएंगे यार, और नहीं पहुंचेंगे तो टाइम कवर कर लेंगे। तो खाली खाली रोड में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। बैरिकेड लगे हुए हैं आगे, और मोटर व्लॉग करने का अलग ही मज़ा है। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ पर सच में मज़ा आ रहा है। कोल्ड, बहुत तगड़ा कोल्ड हो रखा है मुझे 2 दिन से, नाइट से मॉर्निंग तक रहता है, और जैसे जैसे सूरज राइज होता है वैसे वैसे कोल्ड ख़त्म हो जाता है। तो वाइट मूड कर रखा है मैंने शायद इसमें। सुबह सूरज देवता जी निकल आए हैं, प्रकट हो गए हैं, अपन निकल गए हैं बाईपास पे। और अब आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि भाई ट्रैफिक तो कम हुआ ही नहीं है, ट्रैफिक तो चला जा रहा है। ट्रैफिक इसलिए चला जा रहा है, ये जितने भी आप लोग देख रहे हो रोडों पे, ये सारे के सारे या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या तो फिर किसी प्राइवेट लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल एम्प्लॉयज हैं। तो जिन जिनको परमिशन मिली है, पास मिला है लॉकडाउन में निकलने का, ये सारे के सारे वो हैं। प्लीज़ 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 हमें निकलना पड़ रहा है बिकॉज हमारी मजबूरी है, और हमारी मजबूरी तो क्या, हमारा फ़र्ज़ है। तो भाई हमारा फ़र्ज़ है निकलने का, बट आपका फ़र्ज़ है घर पे बैठने का। लॉकडाउन सिर्फ एक टेम्प्रेरी 1 हफ्ते के लिए रखा है, देखना चाहती है गवर्नमेंट कि भाई कितने केसेस कम होते हैं और कितने केसेस बढ़ते हैं बिटवीन लॉकडाउन। तो बॉस प्लीज़ बाहर मत निकलना, लास्ट ईयर भी यही अपील की थी, इस साल भी यही अपील करूँगा, प्लीज़ बाहर नहीं निकलना। टाइम हो गया है 8:15 रह गए हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी नहीं तो बैरिकेड लगे हुए हैं। पुरानी यादें ताज़ा हो गई भाई, DTC बस के साथ बैरिकेड। Check the mic and make sure it sound right, boys. और हाँ, ये KTM gloves देख के प्लीज जज मत करना, ये KTM gloves मैंने eBay.com से मंगाए थे, और KTM gloves नहीं थे, मैंने नॉर्मल gloves मंगाए थे। इस पे नाम वाम कुछ नहीं लिखा था जब मैंने साइट पे सर्च कर रहा था, पर जब मैंने बुक करा और जब घर पे डिलीवर्ड हुआ तो ये KTM के भेज दिए उन्होंने। बहुत बढ़िया, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए जल्दी से, कोविड स्प्रेड ना हो, और इसी वीक में सब कुछ शांत हो जाए। सबकी रक्षा करना, साथ में हमारी भी रक्षा करना। एक तो यार मैंने GoPro लगा रखा है ना लॉकडाउन में, मतलब हेलमेट पे, ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, अगर किसी ने रोक लिया और भाई वो पूछने लगा कि कैमरा क्यों लगा रखा है, और आप अगर ड्यूटी जा रहे हो, अपनी शिफ्ट पे जा रहे हो, मेडिकल स्टाफ हो, तो ये कैमरा क्या कर रहा है, तो भाई थोड़ा उनको समझाना मुश्किल हो जाएगा। DTH से दिल्ली में मैच भी है, तो देखते हैं भाई ड्यूटी लगती है नहीं लगती। ड्यूटी लगेगी तो आपको दिखा देंगे, नहीं लगेगी तो नहीं दिखाएंगे। वो रहा फिरोजशाह कोटला, जो कि अब फिरोजशाह कोटला का नाम चेंज होके अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है, और लास्ट ईयर से ही हो गया था। एंड ये है अम्बेडकर स्टेडियम जहाँ फुटबॉल मैचेज होते हैं या हॉकी मैचेज होते हैं। द नेक्स्ट डे बॉस ड्यूटी ऑफ हो गई है, अपन निकल रहे हैं। भाई साहब बस ये जा रहे हैं प्रभात भाई, और ये जा रहा है मनी, जो कि आपको खाली के बाद में दिखा होगा। शिवपुरी चल रहा है, चल रहा है, शिवपुरी चल रहा है, जान तो बचाई नहीं जा रही भाई। ऐसा है
मोदी ने मना कर दिया। सो बहुत से गलती हो गई, बहुत बड़ी वाली। ठीक है, होनी थी, वो तो यार मेरे को आदत भी नहीं है। एक्चुअली ऐसा हुआ, मैं माइक लगाना भूल गया और वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। जितने वहाँ से हम निकले हैं अभी तक कोई वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी वॉइस रिकॉर्ड हुई होगी जहाँ जहाँ मैं रुका हूँ, बिकॉज माइक नहीं लगा रखा था, माइक की वायर नहीं अटैच कर रखी थी, उसकी पोर्ट नहीं डाल रखा था। और अगर GoPro के मीडियम मोड के माइक ने कैच करी होगी मेरी वॉइस तो करी होगी, अदरवाइज नहीं करी होगी। चलो भाई, तो बॉस प्रभात भाई डलवाएंगे पेट्रोल और अपन निकलेंगे सीधा रोहिणी की साइड, और प्रभात भाई लेफ्ट होके नीचे से लेके सिग्नेचर ब्रिज निकल जाएंगे। और वो रहा सिग्नेचर ब्रिज, ऐसे प्रभात भाई ऐसे नीचे से जाएंगे और ऐसे ऊपर चढ़ जाएंगे। लॉन्ग टाइम मैंने बाइक भगाई है बिकॉज ऑफ मोटर व्लॉगिंग, अदरवाइज मैं नहीं भगाता हूँ, बिल्कुल नहीं भगाता हूँ। मैं 50-60-70 इतनी ही स्पीड में रखता हूँ। बस आज जस्ट ट्राई कर रहा था कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा सा भगा के देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड भी आ जाएगा। और ऊपर जाती 121 कैच कर ली थी, 121 से ऊपर भी जाती, मैंने हाई स्पीड भगा रखी है इसकी 132, तो 121 से ऊपर भी जाती, बट ठीक है आगे ट्रैफिक आ गया तो मैंने इसलिए कंट्रोल कर ली। सरदार जी मुझे देख रहे हैं अंदर से। तो चंडीगढ़ अमृतसर सीधा सीधा रास्ता है यहाँ से, सारा जाएंगे एक दिन, जाएंगे बाइक पे ही जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। जितने भी राइडर्स हैं, जितने भी बाइक चलाते हैं, अगर तो वो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में चलाते हैं तो भाई 1500-2000-2500 में कुछ नहीं जा रहा है। इतना मतलब आप खा जाते हो, शॉपिंग कर लेते हो, एक अपनी सेफ्टी के लिए एक हेलमेट ले लो और वही लगा के चला करो। तो प्लीज़ आई जस्ट रिकमेंडेड कि भाई कोई हेलमेट लो, कोई नई बाइक लो। तो लालच में रहते हैं लोग, नई बाइक लेते हैं तो उसके साथ एक हेलमेट फ्री मिलेगा, वही हम लगाएंगे। नहीं भाई, अच्छा सा हेलमेट लो, अच्छी बाइक ले रहे हो, 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके नई बाइकें आ रही हैं, 1 लाख रुपए से कोई बाइक नीचे नहीं है। तो बाइक अगर ले रहे हो नई तो हेलमेट भी वो कोई अच्छा सा लो, 1.5-2 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं जा रहा। सो बॉस हम घर पहुंच गए हैं। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में। बाय बाय।